पैदल ही तो राजनीति मांगे थे क्या? और नीचे से फर्स्ट नहीं किए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हम उससे निपटने की औकात है नहीं, मेरी बेटियों पर निपटना चाहते हैं। कुछ कह के देखे तो कि टैक्स लेते हैं तो उसका कानून के हिसाब से उसके कलेजा पर चढ़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आरसीपी सिंह में है हिम्मत तो नालंदा से या फिर इस्लामपुर से भी चुनाव लड़के दिखा दें। अगर नीचे से फर्स्ट नहीं किए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। देखिए, ये बयान हम नहीं बल्कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा दिया गया है। जिस तरीके से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जन्म लेते ही राजनीति में आ गए थे क्या, उनकी औकात तो है नहीं हमसे लड़ने की। अब इसको लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा है, कहा है कि अगर है हिम्मत तो इस्लामपुर या नालंदा से ही चुनाव लड़के दिखा दे, जहां मन वहीं से चुनाव लड़ जाए। अगर नीचे से फर्स्ट नहीं किए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। वहीं आरसीपी सिंह टैक्स को लेकर भी खूब सुनाया, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, पूरा बयान सुने। मोदी साहब के कैबिनेट में भाग लेने वाला व्यक्ति को नड्डा साहब भी नहीं ज्वाइन करा, धर्मेंद्र प्रधान ज्वाइन करा रहे, बताइए तो इतना बुरा हाल, और बिना जेड कैटेगरी के आप, और साथ ही साथ राजनीति में आपका हश्र क्या हुआ, पूर्व लिखा गया भारतीय जनता पार्टी में, अब तो अभूतपूर्व हो गए। हमारे यहाँ तो राज्यसभा भी मिल गया, अब तो नालंदा से अगर लड़ने का घोषणा करिए जरा सा, या अस्थामे से लड़ जाइए छोड़िए, या इस्लामपुर से लड़ जाइए, जहाँ मर्जी करे वहाँ से लड़ जाइए, और नीचे से फर्स्ट नहीं किए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हैं, आपको ये एहसास हुआ है कि 16 वर्षों तक आप प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे, आपको राज्यसभा भेजा उन्होंने, आपकी किस्मत में राज्यसभा नहीं लिखा हुआ था, आप सेक्रेटरी बन सकते थे। अंदर की बात मत खोलवाइए, अगर परत खोल देंगे तो राजनीति में कहाँ पहुँचिएगा इसका अंदाज आपको नहीं है। और आप कहते हैं अरे आप तो अपमान झेलने वाले लोग हैं, आपको आरसीपी टैक्स कहता रहा लेकिन एक मानहानि का मुकदमा करने का भी आपको हिम्मत नहीं हुआ, इसका मतलब दाल में काला है। कोई कह के देखे तो कि टैक्स लेते हैं तो उसका कानून के हिसाब से उसके कलेजा पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं गुनाहगार हैं तो हम कोर्ट का सामना, न्यायपालिका का सामना क्यों नहीं करेंगे। ये पूरे प्रकरण से यह लगता है कि आप साष्टांग दंडवत हो गए सम्राट चौधरी के यहाँ। बड़ी मन में पीड़ा होती है, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, सर साहेब कहाँ है आज, हुजूर हम पर भी कुछ कृपा करिए। इस स्टेज में पहुँच गए, राजनीति के बीपीएल बन गए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हम राजनीति के पहलवान हैं, तो ये संपत्ति कहाँ से आई, संपत्ति का स्रोत क्या है, कहाँ से ये संपत्ति खरीदी गई, क्यों इसमें जालसाजी की गई, ये तमाम मामले बिहार के जदयू के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि हमारी हकमारी किया, पद का प्रलोभन देकर करके जमीन तो नहीं लिखवा लिया। ये सारे मामले अनुसंधान के विषय हैं और जनता दल यू आपका पूरा अनुसंधान कर रहा है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नीरज कुमार का कहना है कि जो आरसीपी सिंह टैक्स की बात होती है, अगर आप सच होते तो अब तक मान हानि का मुकदमा कर दिए होते, लगता है दाल में कुछ काला है, अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उसके छाती पर चढ़कर जवाब देंगे, आप कहां चले गए। तो साफ सुना आपने किस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को खूब सुनाया, कहा है कि अगर पीछे से फर्स्ट नहीं किए तो राजनीति करना छोड़ देंगे। फिलहाल खबरों से इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।